हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरी मम्मा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मेरी मम्मा बनाने वाली है आलू दम। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे कि उबले हुए आलू, प्याज, मिर्चे और लहसुन और टमाटर का पेस्ट। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं और ये नमक भी। अब हम लोग आलू को उठा करके अच्छे से फोक से छेद कर देंगे। देखिए मैंने जिस तरह से यहाँ पे करा है, देखिए कितने ऐसे तरीके से हम लोग सब कर लेंगे। अब हम लोग एक पैन में तेल डाल करके अच्छे से गरम करके हम लोग आलू को पैन पे डाल करके फ्राई कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने सारे आलू को अच्छे से डालना है। हम लोग अच्छे से सारे आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हो जाए तो हम लोग दूसरी तरफ भी पलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने दोनों तरफ से फ्राई किया इसको। अब देखिए हम लोगों ने इन सबको पलट लिया है। अब जब तक ये दोनों तरफ से नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर नमक डाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट और लाल मिर्च। अब हम लोग इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम लोगों के आलू भुन चुके हैं। देखिए हम लोगों ने अब हम लोग एक कढ़ाई को ले लेते हैं, तेल डाल लेते हैं उसमें और जीरा। अब हम लोग इसमें प्याज और हरे कटे मिर्चे डाल देते हैं। अब हम लोग प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए हम लोग इस प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। हम लोग के प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें हल्दी डाल देंगे 3 टीस्पून। हम लोगों ने यहाँ पे 3 टीस्पून हल्दी डाल दी है। अब हम लोग इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे 3 टीस्पून और लाल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम लोग 1 टीस्पून डाला है। और अब हम लोग इसमें बेसन डाल लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप लोग इसमें बेसन डाल सकते हो। देखिए अब हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हम लोगों ने बेसन को अच्छे से मसाले में मिला लेना है। अब हम लोग का बेसन मिल चुका है तो अब हम लोग इसमें लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इसको अच्छे से ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं। ये देखिए हम लोग के मसाले अच्छे से हो चुके हैं। देखिए अब हम लोग इसमें आलू डाल लेते हैं अपने हुए। देखिए हम लोग इसमें आलू डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले में अच्छे से आलू मिल जाए तब तक हम लोग इसको मिला लेंगे। देखिए हम लोगों ने इसको मिला लिया। अब हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी डाल सकते हो। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हो। अब हम लोग सबको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हम लोग सबको अच्छे से मिला लिए हैं। देखिए आलू, अब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब हम लोगों के आलू उबल चुके हैं तो अब हम लोग इसमें नमक डाल देते हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग नमक डाल सकते हैं। देखिए हम लोगों के दम आलू बन के तैयार होने वाले हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। देखिए हम लोगों के दम आलू बन के तैयार हैं। अब आज की रेसिपी यहीं तक थी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हम लोगों की सब दम आलू को आप पसंद आए तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और हम लोगों के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो बाय बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।